नमस्कार स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आईटी फाउंडेशन पियर्सन के बुक का है। काफी मजेदारी क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स ए गिवन है, ये हमारे पास दिया हुआ है और हमको फाइंड करना है ए 2009 प्लस ए टी 2009 और ये चार ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है, इसी में से कोई एक आंसर होना चाहिए। इसके सॉल्यूशन में जाने के पहले एक छोटे से टॉपिक पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है, ये ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक। सबसे पहले इसका ट्रांसपोज हम निकालते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या कहलाता है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है अगर किसी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम्स में बदल दो और कॉलम्स को रोज में बदल दो। कॉलम्स को रोज में बदलो या रोज को कॉलम्स में बदलो तो वो ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स हो जाता है। इस प्रकार से इसका ए टी ट्रांसपोज ऑफ ए हो जाएगा अगर हम इसको ट्रांसपोज में बदलते हैं तो ये हो जाएगा 0 1 और फिर -1 और 0। अब इससे हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जब इससे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 और -1 और फिर ये 1 और ये 0। अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स फाइंड हुआ ये क्या है, तो ये ए है। इसका मतलब है कि यह हो गया -A। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए होगा। अगर इसको आप समझ गए हैं तो ये क्वेश्चन आप चुटकी में सॉल्व कर लेंगे। देखिए, अब यहां पर ए हमारे पास ये एक मैट्रिक्स गिवन है। जो क्वेश्चन हमारे पास है ए जो जिसका वैल्यू हमको फाइंड करना है 2009 और प्लस ए टी 2009। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं ए 2009 और प्लस ए टी की जगह पे हम लोग नेगेटिव ऑफ ए लिख सकते हैं, तो ये हो गया -A और इस पर पावर हो जाएगा 2009। लेकिन इसका पावर ऑड नंबर है, 2009 एक ऑड नंबर है और अगर किसी ऑड नंबर पावर के अंदर में नेगेटिव साइन हो तो साइन नेगेटिव ही बाहर आएगा, तो इस प्रकार से इसका वैल्यू हो जाएगा ए 2009 और ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा ए 2009। इस प्रकार से ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा और जब कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि आपका जो मैट्रिक्स होगा वो नल मैट्रिक्स होगा या 0 मैट्रिक्स होगा। अब इसमें से जो चार ऑप्शन है उसका सही ऑप्शन चुनते हैं तो ये ऑप्शन नंबर 2 यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद है ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।